भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को आंशिक अनुमति दी है। ये यात्रा राजनीति के लिए नहीं है। आगे सचिन पायलट ने ये भी कहा कि यात्रा में 10 साल में जो देश की हालत है उसको उजागर किया जाएगा। आज दबाव आक्रमण की राजनीति हो रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस भाजपा के लिए चिंता का विषय है। यात्रा का उद्देश्य जनता से जुड़ना है। लोकसभा के परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। यात्रा राहुल जी की यहाँ से निकल रही है, कितना इम्पैक्ट डालेगा ये लोकसभा पे? नहीं, हमारी राहुल जी की यात्रा 14 को शुरू होगी मणिपुर से, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इसमें लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को, वंचितों को, किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, नौजवानों को, उन सब इश्यूज उठाएंगे। और इस देश में जो हालात बने 10 सालों में वो जनता के सामने आने चाहिए। मुझे लगता है इसका बहुत लाभ मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, हमारी पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 10 साल के कार्यकाल का लोग मूल्यांकन करेंगे, और इन 10 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं देश में उस पर लोग चिंतित हैं और अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोग इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार ऐसा होगा। हम लोगों ने हुआ है तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए। मैंने कहा ना दिन में भी, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मत भूलिए कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। जनता भी मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी कि 10 साल की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के राज में क्या हाल रहे और 10 साल में इस बार क्या हुआ है। तो दोनों की तुलना जनता करेगी और परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस को। देखिए, चुनौती लोकसभा चुनाव अलग होता है। इसमें राष्ट्र के मुद्दे प्रासंगिक होते हैं, और जैसा हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उसके विपरीत काम करें और हम अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएं। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं कि इतनी मेहनत करी हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य की तरह देखना चाहिए, और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे।